नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप 5 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और स्टेप 5 पे हम लोग कल ये देख रहे थे कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। उसी क्रम में हम लोगों ने एक असाइनमेंट ये भी लिया था कि अभी तक लाइफ में जितने हमने डिसीजंस लिए उसमें आधार क्या रहा, समझ या मान्यता। और उसको ये भी आगे देख सकते हैं कि अगर ये मान्यता आधार में था कहीं पर, तो आपने समझ के आधार पर निर्णय लिया होता तो क्या लिया होता। तो ब्रीफली अगर रिकैप करें तो स्टेप 1 में हमने कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, उसमें भी मूल रूप से भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, क्योंकि दिखता है कि भाव से ही विचार तय होते हैं और विचार से ही हमारा व्यवहार तय होता है, हमारा कार्य तय होता है, भागीदारी तय होती है। तो कल्पनाशीलता में मूलतः भाव में ही परिमार्जन करना है अपने को, इसलिए भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। स्टेप 2 में हमने भाव का मूल्यांकन किया और ये देखा कि जो भाव है मेरे अंदर वो सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप 3 में हमने ये देखने का प्रयास किया कि उस भाव के साथ मेरी जो स्थिति है वो सहज है कि नहीं, सुखद है कि नहीं। स्टेप 4 में देखा कि जो मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन लेता है, और ये उसमें दिखता है अपने को, निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। और फिर उसमें ये भी दिखता है कि जब निर्णय मैं लेता हूँ और मैं ही अपने भाव से दुखी हो रहा हूँ तो मुझे अपने भाव पे काम करने की जरूरत है ना, मुझ में परिमार्जन की आवश्यकता है। और उसके साथ ये भी दिखा अपने को कि मैं शिकायत मुक्त हो सकता हूँ अपने संबंधों में। जो भी शिकायत मेरे अंदर रही है, कहीं ना कहीं हमने दूसरे को जिम्मेदार माना अपने दुख के लिए, समस्याओं के लिए, इसलिए शिकायत का भाव हुआ। तो परिस्थितियां जैसी भी रही हो, मेरा भाव इसका निर्णय मेरा ही था ना, वो गलत हो गया इसलिए मैं दुखी हुआ। तो ये मैं स्टेप 4 में शिकायत मुक्त होता हूँ। स्टेप 5 में हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो मैं निर्णय लिए उसके आधार में क्या था, सही समझ या कोई मान्यता। इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न बना हो, कल के असाइनमेंट को लेकर कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो कल हम लोग ये ऑब्जर्व करते रहे। तो एक ही क्षण में अपने भाव के निर्णय को देखना है, इस निर्णय का आधार क्या है, क्या मानकर हम किसी के प्रति कोई विचार कर रहे हैं, और जो भी विचार कर रहे हैं उसके आधार में क्या है, मूल में क्या है, भाव में क्या है। तो इससे हमें समझने की आवश्यकता है, यह आवश्यकता और पुष्ट होती जाती है, इसकी आवश्यकता हमें और स्पष्ट दिखाई देती है कि अल्टीमेटली समझने की आवश्यकता है। अगर मेरा भाव ठीक नहीं है, मैं मान्यताओं के आधार पर जी रहा हूं, तो मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और मेयरली ये कह देना कि मान्यताओं के आधार पर जी रहा हूँ, सब गलत जी रहा हूँ, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगले क्षण कैसे जीऊंगा मैं ये भी तय होना जरूरी है। यदि मैं अगले क्षण उसको बनाए रख रहा हूँ, मीन्स उसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ सही माना हुआ है, सुखद माना हुआ है, तभी मैं बनाए रख रहा हूँ। तो कोई ब्लैंकेट रिस्पॉन्स दे देना कि हाँ मैं ना समझूं, ठीक, बिल्कुल गलत जी रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगले क्षण भी अगर मैं वैसे ही जी रहा हूँ, इट मीन्स मैंने उस मान्यता को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया हुआ है। वो जस्टिफिकेशन क्या है, उस जस्टिफिकेशन का बेसिस क्या है, ये देखना बनता है। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, क्षण क्षण में देख सकते हैं, ओवरऑल देख सकते हैं। पिछले दिन जो मैंने निर्णय लिए उसके आधार में क्या था, भाव क्या था मेरा, और भाव समझ पे आधारित था या किसी मान्यता पे आधारित था। यहाँ जब मान्यता कह रहे हैं तो संवेदना को जोड़ कर कह रहे हैं, यानी संवेदना से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भी एक मान्यता है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ मान्यताओं को अपने अंदर जस्टिफाई किए रखते हैं, उसको हम सही ठहराए रखते हैं, तभी हम उसको साथ लेके चलते हैं।
बार जब हम ऐसे सत्र में बैठते हैं, जब समझ में बात होती है, तो थोड़ा हम उसको ओपन अप करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, पर जब जीने जाते हैं तो उन मान्यताओं के आधार पर ही जीने जाते हैं। इसका मतलब कि उन मान्यताओं को हमने कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया हुआ है, उसको उस स्थिति परिस्थिति में, उस व्यक्ति के साथ संबंध में, अपने जीने में हम उसको जस्टिफाई करके चल रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, तभी हम उसको लेके चल रहे हैं। प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया जी। कल सर एक मेरे साथ, मैं जो भाव को 24 घंटे देखने का जो मैंने काम भी कुछ दिनों से शुरू किया, तो कल एक महसूस हुआ कि यह है कि पहले तो मैं अपनी स्थिति बता दूं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, और उसके बाद मैं चल नहीं पाता हूँ पैरों से सामान्य रूप से, तो वॉकर लेके चलना पड़ता है। और तो कल स्थिति ऐसी रही कि जब मैं घर से चला तो मैं तो देख ही रहा था लगातार अपने आप को अंदर से, और गए गाड़ी में बैठे, कार में ड्राइवर लेकर के गया, पीछे वॉकर रखा। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा मैं तो निकाले उन्होंने और वैसे ही रखा, और फिर मैं जब चलना शुरू किया तो इस दरमियान पूरे रास्ते में एक तो मैंने कुछ अपने से संकल्प ले रखे थे कि ना मैं किसी बोर्ड को पढ़ूंगा, ना अन्य चीजों को देखूंगा, इस तरह से इसलिए कर रखा था क्योंकि मन में मतलब वो समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि जितनी सारी चीजें गुजर रही तो हम अपने भाव को बिल्कुल नहीं देख पाते, तो इनसे कोई लेना देना बहुत जुड़ता भी नहीं है कि कौन सा बोर्ड निकल गया, कि कौन से लोग निकल गए। तो मैं ज्यादातर आँख ही बंद रखता हूँ इस दरमियान। तो जब वहां पहुंचा तो मैं जब चलना शुरू किया तो वाकर रखा, मैं उतरा, पैरों पर बोझ आया, वाकर पकड़ा, ना कोई भाव ऐसा पकड़ में जल्दी आ रहा था ना कुछ था, लेकिन अंदर शून्यता बनी हुई थी, बिल्कुल शून्यता थी। बातचीत भी उससे किए तो अंदर कोई भाव, जुड़ाव का भाव तो था, संबंध का भाव नहीं होगा तो आत्मीयता जैसा कुछ एहसास नहीं होता इसमें, तो वो था। उससे भी बात किया थोड़ी सी, फिर चलता हुआ कि तो पूरे शरीर का बोझ कहाँ पड़ रहा है, वाकर में कैसे पड़ रहा है, हाथ पे कहाँ जा रहा है, कंधे पे कैसे जा रहा है, पूरे चलने का जो एक पहली बार बड़ा विचित्र अनुभव किया कि कितनी सारी चीजें मिलकर के चलना बनता है। वो चूंकि सामान्य स्थितियों में जब थे तब समझ में नहीं आता था, लेकिन इस दरमियान महसूस हुआ और पूरे शरीर की एक एक चीज अपने अंदर ही अनुभव हुई। ऑफिस में भी बैठा तो मतलब पूरा दिन ने देखा कि अंदर मैं इसको पकड़ नहीं पाया कि भाव को कैसे पकड़ू, काम भी चलता रहा लेकिन अंदर से कुछ चीजें मतलब पता नहीं क्या, मैं उसको कह नहीं सकता, लेकिन कुछ अनुभव में ऐसी नहीं आई ये मतलब उसको मैं ये बोलूं कि हाँ ये मैं इसका कारण पकड़ पाया या इसका सूत्र पकड़ पाया। चीजें आती गई चलती गई लेकिन कोई चीज की चित्र जैसे अंदर नहीं बनते रहे। हर चीज अच्छी से चली, बातचीत भी किए लोगों से, पूरा दिन मिलना जुलना तो बहुत लोगों से रहता है, अंदर से कुछ ऐसा पकड़ नहीं पाया तो कहाँ मिस्टेक हो रही मैं जानना चाह रहा था जी। तो ऐसा हो सकता है उस दौरान मानव मानव संबंध को लेकर भाव बहुत स्पष्ट ना हो रहे हो, बट आप जिस तरह से चल रहे थे, आप स्टिक पर चलते, जिस तरह से चले, तो शरीर के प्रति संरक्षण का भाव था कि नहीं? हाँ वो तो था, हाँ वो गिरने ना पाएंगे तो भाव था। हाँ तो ये भी एक भाव है। तो तभी हम निर्वाह चूंकि प्राइमरीली शरीर के साथ कर रहे हैं, अभी हम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ताकि हमारा भाव बदले नहीं, है ना, भाव में त्रुटि ना हो, तो शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है। ये भी भाव बना हुआ है कि मुझे बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि तो भाव के प्रति सजग होना है, अपने ऊपर काम करना है, ये भी तो भाव है ही अंदर। तो अभी हम भाव को ज्यादा समय आस्वादन के अवसर पर जब देखने का प्रयास करते हैं, चयन के अवसर पर देखने का प्रयास करते हैं तो स्पष्ट नहीं होता, बट आप देखिए कि उस चयन के आधार में क्या है, किस भाव के साथ चयन कर रहे हैं, इस भाव का आस्वादन करना चाह रहे हैं। तो जो संरक्षण का भाव है यह हमारे आस्वादन में स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि तो आस्वादन में तो वो चीज आ रही है जो आप शरीर को संभाल रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, है ना, जो बाहर का टेम्परेचर है ये सब, तो जो शरीर से आने वाली संवेदना है उसके आस्वादन पे ज्यादा ध्यान है। तो जो भाव का आस्वादन हो भी रहा है कहीं पीछे बैठा हुआ है, परंतु ये सारा जो गतिविधि आप कर रहे हैं शरीर के प्रति संरक्षण के भाव से कर रहे हैं, संयम के भाव से कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसी स्थिति में एक भी स्टेप गलत ना पड़े, कहीं टकरा ना जाए, है ना, ध्यान भाव तो है, इसको स्वीकारने की जरूरत है। ठीक भैया, धन्यवाद। बढ़िया भैया।
क्या हम जितना जितना भाव के प्रति अवेयर होंगे ना, ये जो पूरा फैलना है हमारा विचार में या निर्वाह में बहुत ज्यादा उथल पुथल होना है, वो धीरे धीरे संक्षिप्त होगा, कम होगा। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भाव के विषय को। तो हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भागीदारी करते हैं, हमें शहर व्यक्ति भागीदारी करता है। यदि भाव के सजग रहेंगे तो निर्णय अपने आप में निश्चित बने रहेंगे, अदरवाइज निर्णयों पर शंका रहेगी कि हमने ये निर्णय लिया ठीक लिया गलत लिया, अच्छा लिया बुरा लिया, और जो निर्णय सही लिया कि गलत लिया इसको कई बार हम परिणाम से तय करने जाएंगे, ये निर्णय लिया और ये परिणाम हो गया तो निर्णय गलत हो गया। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है समझने के लिए कि निर्णय मेरा सही था कि गलत था, ये परिणाम से तय नहीं होता है, भाव से तय होता है। तो हमने चाहे क्लास के बच्चों की बात हो, अपने शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो, है ना, किसी मुद्दे पे जो हमने निर्णय लिया उसके पीछे भाव क्या था वो महत्वपूर्ण है। फल परिणाम तो अदरवाइज आ ही सकता है। तो ये जो फल परिणाम को देख के अपने बारे में तय करना कि सहज स्वीकृति है कि नहीं है, ये कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा, इसे शंका बनी रहेगी। नमस्कार सर जी। नमस्ते, सभी को नमस्कार सर। मेरी ऑब्जर्वेशन कल की, तो मैंने अपने बच्चे से उम्मीद की कि भाई वो अपना सामान जो है ये कपड़े जूते वगैरह अपनी जगह पे रख दे। तो मैंने जब उसको बोला तो उसने कहा ठीक है मम्मी अभी थोड़ी देर में रख दूंगा, पर मुझे मैं जो है उससे मैं गुस्से में आ गई कल उसके साथ। आमतौर पर ऐसा नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से, पर कल मुझे गुस्सा आ गया और मैं दे देख पा रही थी। मैं उसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये अभी रख दे, जबकि वो ऐसा हो नहीं सकता। ये चीज मैंने बाद में महसूस की, क्योंकि वो तो रजाई में बैठा हुआ है, मैं आराम से खड़ी हुई हूँ, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये रख दे। लेकिन बाद में मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने आप को, क्योंकि वो रजाई में बैठा आराम की अवस्था में है तो वो इसलिए नहीं कर रहा है। और उसके बाद उसने जब मुझे जवाब दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो इसके लिए सर ये है कि मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन यही था कि मेरे को उस समय उसके साथ जिद नहीं करनी थी, प्रपोजल फॉर्म में ही मैं कहती हूँ और वो रख भी देता है, लेकिन कल जो है इस तरीका का रहा मेरा व्यवहार उसके साथ। तो इसके लिए सर बताइए, मुझे अभी और काम करना है, ऐसा है मेरे साथ है ना। तो देखिए, अगर गुस्सा आ रहा है, आप आवेश में आ रही हैं, अनियंत्रित हो रही हैं, इसकी मतलब सीधी बात है कि समझ की कमी है जी। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, और आपके गुस्से के लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि गुस्सा में तभी आता है जब हमको दूसरे की चाहना पर शंका होती है, या उसके समझने की क्षमता पर शंका होती है, या समझने के कार्यक्रम पर शंका होती है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा या तो समझना नहीं चाहता, या समझ नहीं सकता, या इस विधि से नहीं समझ पाएगा, उसको तो दंड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा मतलब लगता है कि जैसे मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ तो ये क्यों नहीं कर रहा है। तो यही चीज आई उस समय मेरे दिमाग में कि मैं इतने दिनों से समझा रही हूँ तो ये समझ क्यों नहीं रहा है, बस इतनी सी बात थी। वही वही, तो यानी समझने की क्षमता पर शंका हो रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हम उसको जांचेंगे तो पाएंगे कि क्षमता सब में एक ही है जी, है ना, मुझ में भी है उसमें भी है। तो बस उसकी मान्यता की परतें ज्यादा हो सकती हैं, या मेरे समझने में सहयोग करने में कमी हो सकती है। मैं जिस तरह से ध्यान दिला रही हूँ वो ठीक नहीं है, जिस तरह से मेरा पास में व्यवहार हुआ है बच्चे के साथ, उसने मेरे व्यवहार से निष्कर्ष निकाला है कि मुझ में समझ नहीं है। तो यदि वो मानता है कि मुझ में समझ नहीं है, उसे क्यों समझेगा, सीधी सी बात है। तो अपने ऊपर गंभीरता से काम करना है ताकि मेरे अंदर समझ हो, ताकि मेरा भाव ठीक हो। यही तो हम लोग स्टेप 4 और 5 में बात कर रहे हैं, कि स्टेप 4 में ये हम लोग कहते रहे कि भाव मेरा ही निर्णय है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। और यदि मैं आवेश में परेशान हूँ, इसका मतलब जो निर्णय है वो मान्यताओं के आधार पर हुआ है। हमने मान लिया कि दूसरा समझना नहीं चाहता, या दूसरा समझ नहीं सकता, या इस विधि से नहीं समझेगा दूसरा, तो फिर तो कोई विधि चाहिए, प्रस्ताव पूर्वक नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया, तभी तो आवेश में आ रहे, तो अपने ऊपर काम करेंगे। थैंक यू भैया जी, बढ़िया दीदी। सर मेरे जो स्कूल के में जो मेरे बच्चे हैं ना, स्पोर्ट्स वाले 4-5 बच्चे हैं, वो क्लास में ना उनको प्रपोजल फॉर्म में और व्यवहार से अलग से पढ़ा के हर तरीके से मैंने कर लिया,
लेकिन वो हर टीचर के साथ उनका रवैया इस तरीके का हो गया है कि क्लासरूम में जैसे कि अव्यवस्था वो बनाए रखते हैं। तो उसके लिए मैंने जितने भी तरीके समझा के प्यार से थोड़ा बहुत जैसे डांट के और फिर प्यार से किया, लेकिन वो बच्चे ना समझ नहीं पा रहे, लाइन पे नहीं आ रहे। तो उनसे देखिए कई बार क्या होता है ना कि कोई डीप रूटेड मान्यता है बच्चों के अंदर, वो एड्रेस नहीं हो रही। तो ऐसे कुछ बच्चों को बुलाइए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उनकी परेशानी क्या है, उनकी नाराजगी क्या है। फिर आप देखेंगे बहुत सारी बातें रखेंगे जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं गया था। तो जब हम इस तरह की बातचीत उनसे करते हैं तो फिर उनकी मान्यता समझ में आती है। जैसे अगर उसने माना हुआ है किसी बच्चे ने, ठीक है ना, स्कूल का मैनेजमेंट ही गलत है, इसने फॉर एग्जाम्पल स्कूल के लिए फॉर एग्जाम्पल इसने हम लोगों से पैसे लिए और उसके बदले जो सुविधाएं देनी थी नहीं दिया, तो अब वो जो बच्चों के अंदर नाराजगी है उस बात को लेकर वो हर क्लास में निकलेगा। वो आपके पढ़ाने के तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो कहीं और से जुड़ा हुआ है। वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा बच्चे इरिटेट होते रहेंगे, इरिटेट करते रहेंगे। तो उस पर बैठ के बात करनी पड़ेगी बच्चों की परेशानी क्या है। तो जो बच्चे है ना लीड ले रहे हैं इसमें टीचर को परेशान करने में, उनको बुला के बात करिए, उनको समझिए, सुनिए उनको। सर उनके लिए मैंने जो कार्यक्रम बनाया कि जैसे वो स्पोर्ट्स में जाते हैं तो मैं तुमको वो चैप्टर अलग से बिठा के कराऊंगी, वो सभी मैंने किया। और पर उनका जो क्लासरूम में जी परेशानी को समझे बगैर आप समाधान देने गए, ठीक वैसे है कि कोई डॉक्टर इलाज शुरू कर दे पूछे नहीं कि मर्ज क्या है। हाँ जी। तो क्या होता है हम अपने तरीके से इलाज शुरू कर देते हैं, हम पूछते ही नहीं है समस्या क्या है। तो मैं इलाज कर रहा हूँ, समस्या कोई और है। जी बिल्कुल सही है ना, तो कभी रिजॉल्व होगा ही नहीं। बिल्कुल करें, उनको समझना है उनकी समस्या क्या है। तो सर मैं उनसे बातचीत करती रहूं समय समय पर कि बताइए बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं कैसे मतलब मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। सर मुझे प्रपोजल फॉर्म में मेरा व्यवहार उनसे किस मतलब मेरी जो भाषा व्यवहार उनसे कैसा हो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अपने तरफ से तो मैंने कर लिया जो मैं कर सकती थी। देखिए करने का काम तो ये है अगर आपके स्कूल में ये कोर्स इंक्लूड हो पाए, नहीं तो कुछ सेशंस आप इंक्लूड करिए जी, तो बच्चों को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक समग्र दृष्टि मिलेगी जी, अपने प्रति, परिवार के प्रति, टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति, समाज के प्रति। अभी वो है नहीं तो ठीक वैसे ही है कि किसी व्यक्ति को रास्ता पता नहीं है, है ना, जाना कैसे, तो कभी इधर टकरा रहा है कभी उधर टकरा रहा है, हम संभालते रहते हैं भाई यहाँ से मत टकराओ, वहां से मत टकराओ, इधर मत टकराओ, इधर मत टकराओ, ये बताते नहीं कि जाना कैसे जी। तो ये हमारा काम बहुत बड़ा हो जाता है। वो बार बार वो टकराते हैं और हम उनको संभालते हैं, रोकते हैं, कभी चिढ़ते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी मारते हैं, कभी डांटते हैं, ठीक, हम ये बता ही नहीं पाते कि सही तरीका क्या है चलने का। तो सही तरीका बता दिया जाए कि नहीं जी, वो सही तरीका नहीं पता है। तो सही तरीका बताए बगैर हम गलत तरीके को जितना रोक टोक करेंगे उससे हमारा काम भी बढ़ेगा, बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार भी कई बार दुष्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बच्चे भी परेशान होंगे हमसे। तो ये कोर्स एक तरीका है जिसमें सही विधि बता देते हैं, भाई तुम सुखी होना चाहते हो, जो कुछ भी कर रहे हो सुखी होने के लिए कर रहे हो, ये सुखी होने की विधि है, आप इसको देख के जांच के बताओ, ठीक है, इस पे बात करेंगे। उस क्रम में बाकी सारे मूल्यांकन होंगे, जैसे अभी भी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, है ना, शेयरिंग आ रही है, इस क्रम में हम क्या कर रहे हैं, जो मूल मुद्दा है कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, उसको हमने प्रस्ताव में रखा, अब उसको जांच रहे परख रहे। अब क्या होगा कि अगर ये मूल बात समझ में आ जाए तो बाकी सारे मुद्दे आप खुद में रिजॉल्व करने लगते हैं, या उस क्रम में प्रश्न करते हैं उसको फिर हम समाधानित होते हैं। तो जो मूल बात है वो रखे बगैर अगर हम बच्चों के साथ कोई भी कार्यक्रम बनाएंगे तो कभी पूरा होगा ही नहीं, वो काम करना है अपने। तो ऐसे हायर एजुकेशन में अभी इंडक्शन प्रोग्राम हो गया, UHV 2 कोर्स हो गया, हायर लेवल कोर्सेज हो गए, इलेक्टिव्स हो गए, इन सबको रख के उनको सही विधि बताया जा रहा है।
जिससे वो गलत विधि का खुद ही मूल्यांकन कर लेंगे। तो एक काम तो ये करें कि प्रस्ताव पूर्वक ये जो सही विधि है निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की, इसको रख दे, है ना। और इसके ऊपर फिर सेशन रखें रेगुलरली बच्चों के साथ, इसको फॉर्मली भी कर सकते हैं, इनफॉर्मली भी कर सकते हैं, इसको समय लगाएं बच्चों के साथ। स्कूल मान लीजिए 2 बजे तक है 3 बजे तक, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लिया, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनके साथ बैठ के बात कर लिया, बहुत ही फ्रूटफुल है ये। इसमें आप पाएंगे कि अगर पूरे स्कूल के 1000 बच्चों में से 10 बच्चे भी अगर इंटरेस्टेड हो गए समझने के लिए, पूरे स्कूल का वातावरण बदलेगा। स्कूल में आपके प्रति जो लोगों का मानना है वो बदलेगा, बच्चों के अंदर जो आपके प्रति स्वीकृति है वो बदलेगी। तो एक काम ये करें। दूसरा काम की ये जो समस्या, कोई बच्चा उद्दंड है उसको बुला के बात करनी, वो सब कर ले। ये जो करने का निश्चित कार्यक्रम इसको तो रखना ही पड़ेगा ना। अगर हमारे अंदर संयम का भाव ना हो तो अस्वस्थ होते रहेंगे, और अस्वस्थ होंगे फिर हम दवाइयां करते रहेंगे, इलाज करते रहेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए जो सही कार्यक्रम है वो समझ में आ जाए, फिर बीच में अगर कभी अस्वस्थ हो गया उसका इलाज कर लेंगे, नहीं तो हम खुद ही अपने प्रयास से अस्वस्थ होते रहेंगे और दवाइयां करते रहेंगे, वो क्रम बना रहेगा। बिल्कुल सही भैया जी। तो ऐसा हो सकता है कि हमें, है ना, पूरा कार्यक्रम पता है, उसके साथ कुछ गलतियां हो रही है उसको ठीक कर लेंगे, बट कार्यक्रम ही पता नहीं है और हम गलतियों पर ध्यान आकर्षण कराते रहे, अभी ठीक नहीं हुआ। जी भैया जी, बढ़िया बढ़िया जी। अभी से मैं और इस पे काम करूंगी, बातचीत करूंगी बच्चों से। स्टेप 6 को शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टेप 6 में हम लोग अब आगे कुछ और काम करने वाले हैं, यानी कि सही समझ या सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए अभी हमको क्या ध्यान देना है इस पर बात करेंगे। स्टेप 5 में हमने देखा इस स्वयं में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है, और उसके आधार पर सुख को सुनिश्चित करने के लिए अपने को प्रयास करना है। तो सही भाव, सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ की आवश्यकता है, ये अपने को दिखता है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे लिए कौन सा भाव सहज है, हम किन भावों की निरंतरता चाहते हैं। तो स्वयं से पूछ कर देखें कि मुझे कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत यानी व्यवस्था का भाव या अंतर विरोध अव्यवस्था का भाव, सहस्तुत्व का भाव या संघर्ष का भाव, इसको अपने आप में पूछना है। तो ओवरऑल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं, एक ओवरऑल है ना स्टेटमेंट देते हैं कि संबंध का भाव स्वीकार है, परंतु क्या हर क्षण में स्वीकार होता है, हर व्यक्ति के साथ हर मौके पे, नहीं तो क्या स्वीकार होता है? अगर संबंध का भाव स्वीकार होता है तो वहां क्या स्वीकार होता है? तो ये देखिए अपने आप में, संबंध का भाव स्वीकार या विरोध का, संगीत का या अंतर विरोध व्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का। तो इसको थोड़ा देखेंगे तो पाएंगे कि हमें संबंध का भाव, संगीत अथवा व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव या हमारे लिए सहज है, हम इन्हीं भाव की निरंतरता चाहते हैं, बट इसको अपने आप में देख के तय करना है, मानना नहीं। ये जो फॉर्मल एजुकेशन है बच्चों का, इसका अपने सुख पूर्वक जीने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिखता नहीं है, तो बच्चों का कोई बहुत इंटरेस्ट रहता नहीं है, इसलिए क्लास में नहीं आना, क्लास बंक करना, है ना, या दबाव पड़ने पर टीचर का गलत फीडबैक दे देना, ये सब चलता रहता है। क्योंकि बच्चों के अंदर न तो टीचर के प्रति संबंध की स्वीकृति है, न जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसकी स्वीकृति है, और जो बाहर का आकर्षण है वो ज्यादा हावी है, जो मार्केट का है, मीडिया का है ना, तो इसलिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं। तुमको बहुत घेर के बांध के हम पढ़ा भी दे, इससे बहुत कोई उपकार नहीं होता है। तो अपने को दिखाई दे कि मेरा मुख्य कार्यक्रम तो समझना और समझाना है ना, हम उस पर फोकस करें और इसको हम विधिवत जो कॉलेज के लिए आवश्यक है उतना हम कर लें, और हम कुछ बच्चों को तैयार करें जो समझने में मन लगाए, वही असेट्स बनेंगे हमारे। ये फॉर्मल एजुकेशन को बहुत स्ट्रिक्टली 100% इम्प्लीमेंट कर देने समाज में व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तो है नहीं, बच्चा सुखी हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, उसका परिवार में हार्मनी हो जाएगी ऐसा तो है। तो मूल बात तो यह है कि बच्चे के अंदर समझ विकसित हो। तो हम ये अपने आप में देखना शुरू करें, स्वयं से पूछ कर देखें कि कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध का या विरोध का। अब इसको ओवरऑल तो देख ले, क्षण क्षण में देखें, जिस क्षण कोई बात बिगड़ रही है, अगला व्यक्ति कहीं हावी हो रहा है, कहीं आपसे उलझ रहा है, कहीं गलती कर रहा है आपके साथ,
वहां पे भी आपके अंदर संबंध का भाव ही स्वीकार है या विरोध का भाव स्वीकार है, हार्मनी स्वीकार है या डिसहार्मनी स्वीकार है, कोएग्जिस्टेंस स्वीकार है या स्ट्रगल स्वीकार है, सहस्तित्व स्वीकार है या संघर्ष स्वीकार है। तो अब फिर हम संबंध के भाव के साथ क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, इसको तय कर पाएंगे। तो संबंध के भाव के साथ दिखता है कि जब तक अगले व्यक्ति के अंदर समझ की पूर्णता नहीं होगी, गलतियां करता रहेगा जैसे मैं करता हूं, तो फिर हम हर व्यक्ति के साथ इस कार्यक्रम को देख पाते हैं कि उसके अंदर संबंध की समझ होना, व्यवस्था की समझ होना, सहस्तित्व की समझ होना आवश्यक है, मेरे लिए भी है, अगले के अंदर भी है, तो फिर मेरा निश्चित कार्यक्रम बन पाता है। तो अभी जितनी भी शेयरिंग हुई आज, उन सब में देखें तो बात अपने को दिखती है कि अगले व्यक्ति में अगर संबंध की समझ नहीं है, व्यवस्था की समझ नहीं है, सहस्तित्व की समझ नहीं है, तो गलतियां करेगा ही। फिर हम उसके जो भी योजना कार्यक्रम बनाते हैं वो ट्रबल शूटिंग के रूप में रह जाता है, उसके अंदर विकास नहीं हो पाता, सही दिशा में गति नहीं कर पाता। तो ये अपने अंदर करने का काम है। तो आज असाइनमेंट ग्रुप में यही रहेगा कि हम अपने आप में हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ अपने आप से पूछ के देखें कि संबंध का भाव स्वीकार है या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव। तो संबंध मतलब मानव मानव संबंध। व्यवस्था की जब बात कर रहे हैं तो उसको तीन रूप में रख सकते हैं। व्यवस्था का भाव भी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, ये बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ये व्यवस्था का भाव एक। दूसरा, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं जो आपस में व्यवस्था में है। तो उसमें मिट्टी और पानी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, हम लोग भी हैं, इन सब की आपस में व्यवस्था बनी हुई है। तो जब व्यवस्था का भाव इस रूप में देखते हैं तो चारों अवस्थाओं की जो परस्परता में व्यवस्था है, हारमोनी है, उसको भी देख सकते हैं कि हमें व्यवस्था का भाव स्वीकार होता है या कुछ और। और ये जो मानवकृत व्यवस्थाएं हैं, परिवार की व्यवस्था, परिवार समूह की व्यवस्था, परिवार समूह से ऊपर जाए तो एक और दूसरे बड़े समूह की व्यवस्था, ये भी व्यवस्था है। तो इन तीनों को ही देख सकते हैं हमें स्वीकार क्या होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि संबंध के भाव को जब हम तय करने जाते हैं तो व्यवस्था को समझना जरूरी होता है। तो परिवार की व्यवस्था को जब हम ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी परिवार के एक व्यक्ति के साथ संबंध में क्या निर्णय लेना है ये भी तय कर पाते हैं। तो संबंध का भाव स्पष्ट तभी हो पाता है ठीक से जब व्यवस्था का भाव स्पष्ट होता है। तो परिवार में व्यवस्था का भाव अगर हमारे अंदर स्पष्ट होगा तो परिवार में समृद्धि कैसे बनी रहेगी, है ना, परिवार में संबंध कैसे बने रहेंगे, परिवार का इससे जो बड़ा परिवार है उसके साथ संबंध का निर्वाह कैसे ठीक होगा, तब जाकर हम परिवार में भी संबंधों का निर्णय ले पाते हैं। कोई वस्तु हमको लेकर आनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कहा कि हमें एक साइकिल चाहिए, ठीक, और परिवार में माँ पिताजी हैं और दो भाई हैं, दोनों के बच्चे हैं। तो अगर हम सिर्फ संबंध को देखें बच्चे के साथ, दिखता है कि साइकिल की जरूरत है, साइकिल ले आते, बट जब परिवार की व्यवस्था को देखते हैं, ये भी देखते हैं कि अभी मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल लेकर आ रहा हूँ और अपने भाई के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, इससे परिवार व्यवस्था बनेगी या बिगड़ेगी। तो कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे परिवार में व्यवस्था के साथ संबंध का निर्वाह। तो जब हम संबंध के बारे में निर्णय करने जाएंगे तो वहां परिवार में व्यवस्था की स्पष्टता होना जरूरी है कि परिवार में न्याय कैसे होगा, हर एक संबंध में परिवार में समृद्धि कैसे होगी। ये जब तक हमको परिवार में व्यवस्था की स्पष्टता नहीं होगी, संबंधों में जो निर्वाह करेंगे वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो अगर पत्नी के साथ संबंध का निर्वाह करना है, बच्चे के साथ करना है, तो ये दिखता है कि परिवार के हिस्से है ना, और ये जो परिवार है वो समाज का हिस्सा है। तो परिवार में भी जो मैं निर्वाह कर रहा हूँ वो समाज की व्यवस्था में भागीदार है कि नहीं है। तो इस व्यवस्था के भाव के साथ संबंध का भाव स्पष्ट होता है, और व्यवस्था का भाव भी तभी स्पष्ट होता है जब सहस्तित्व स्पष्ट होता है। पूरी तरह से अगर हम देखें, अस्पष्टता तभी बनती है जब सहस्तित्व का भाव स्पष्ट होता है। तो जितना जितना हम संबंध पे काम करेंगे तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझना आवश्यक दिखता है, और जितना व्यवस्थाओं को समझने का काम करेंगे उतना सहस्तित्व को समझना आवश्यक दिखता है।
तो अपने अंदर एक तो हम सहज स्वीकृति को देखते चले कि सहज स्वीकृति क्या है, ठीक है ना, और फिर उसके साथ हम निर्णय ले, फिर उसके साथ हम तय कर पाएंगे, फिर हम तो हम अभी आज के दिन तो देखना शुरू करें कि सहज स्वीकृति क्या है। तो इसको हम लोग अपने आप में जांचे, आज के लिए असाइनमेंट है, जांचे परखे, हम लोग इस पर और बात करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।